राधे राधे दोस्तों। तो आज ना हम बिना गैस चलाए अपनी एक प्यारी सी स्वीट डिश बनाएंगे। तो उसके लिए हमें मिल्क मेड चाहिए, मलाई चाहिए, आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो, बिस्किट चाहिए और नींबू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बिस्किट्स को क्रश करना है। तो उसके लिए या तो आप नॉर्मली क्रश कर लो हाथ से या फिर कूट लो उसको, अदरवाइज़ मैंने तो मिक्सर लिया है, तो मिक्सर के अंदर आप अपनी बिस्किट को तोड़ के डाल दो छोटे छोटे पीस करके। और ना आप अपने हिसाब से लेना, जैसे अगर आपको थिक क्रस्ट खाना पसंद है तो आप बिस्किट ज़्यादा डालना, और अगर आपको थिन क्रस्ट खाना पसंद है तो आप बिस्किट कम लेना। मैंने एक पूरी लाइन ली है बिस्किट की, जो पैकेट आता है उसकी, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमारा ना बिल्कुल एक बिल्कुल थिन सा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल पाउडरी सा। इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, आप चाहो तो वो जो केक स्टैंड होता है उस टाइप का कुछ ले सकते हो। इसको हम निकाल लेंगे। इसमें ना थोड़े से चंक रह गए हैं तो आप उसे हाथ से कर लेना, हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं चाहिए, थोड़े बहुत चंक रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और थोड़ा सा आप इसके लिए साइड निकाल लेना ताकि वो डेकोरेशन में काम आएगा, तो मैंने वो थोड़ा सा साइड निकाल लिया। अब मैं बटर ले रही हूँ, वैसे बटर ऑप्शनल है, अगर कोई अपना मतलब अगर कोई इजीली बिना बटर के बना सकता हो बटर मत लेना, अदरवाइज़ हल्का सा बिल्कुल बटर गर्म करके, वैसे तो गर्मी होती है तो बटर पहले से पिघल रहा होता है, इसको हम उस बेस में डाल लेंगे बिस्किट के मिक्सचर में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना सारे बिस्किट में और सारे पाउडर में। इससे क्या होगा ना, थोड़ा ना मतलब मेरा जो क्रस्ट था वो बिल्कुल सपाट नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल ऐसे मिक्स नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसके अंदर बटर डाल दिया, तो वो आई थिंक थोड़ा सेट हो जाएगा, वरना सेट नहीं हो रहा था। फिर उसको अच्छे से दबा देना चम्मच से, स्पैचुला से, किसी भी चीज़ से आप इसे दबा देना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दबा देना ताकि वो ना एक लेयर अच्छे से सेट हो जाए, अदरवाइज़ बिस्किट है वो पाउडरी पाउडरी से रह जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है, थोड़ा और कर देते हैं ताकि कोई कमी ना रहे। अब हम बना रहे हैं लेमन पाई। तो लेमन पाई बिना लेमन के नहीं बन सकती, तो मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया है। ठीक है, अगर आपको बहुत खट्टा बनाना पसंद है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ तो मैंने इसलिए एक ही नींबू लिया, अगर आपको बहुत खट्टा खाना पसंद तो आप दो नींबू डाल लेना, दो से ज़्यादा मत डालना, फिर वो हल्का सा करवाटपन आ जाता है नींबू का। अदरवाइज़ नींबू अच्छे से निचोड़ लो और उसके बीज निकाल लेना। एक्चुअली वो बीज दूर लेके कौन जाता, मैंने उसी के अंदर ऐसे कर दिया है। ठीक है, और हमने फिर मलाई ली है, बाजार की फ्रेश क्रीम लेना चाहते हो बाजार की क्रीम लीजिए, मेरे पास मलाई थी मैंने मलाई ली। इसको अच्छे से फैट लेना है, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसे फैट लो। और मुझे ये चीज़ पता चली, जो मेरी वीडियोस है वो ज़्यादातर मतलब हमारे नॉन सब्सक्राइबर देखते हैं, सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अब हम यहाँ पे मिल्क मेड डाल लेंगे, ज़्यादा बर्तन मत करना, वही नींबू वाले में ही डाल लो मिल्क मेड। ठीक है, कितने अच्छे से निकल रहे हैं, इसे तो देखते ही खाने का मन कर जाता है, बहुत टेस्टी लगता है ये ऐसे भी खाने में। ठीक है, अब हमने अपना मिल्क मेड ले लिया है, बाकी को आप फ्रिज में रख दीजिए, सारा एक बारी में यूज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ना थोड़ा थिक होता है, इस वजह से हम इसके अंदर हम लोग मलाई डाल देते, क्रीम डाल देते, ताकि वो थिकनेस दूर हो जाए। अब इसके अंदर आप मलाई एक साथ मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना, जैसे मैंने हाँ दो बारी में डाला है, तो पहले दो बारी में डाल के इसे अच्छे से चला लो, मिक्स कर लो, और बहुत अच्छे से चलाना ताकि आपको दिखे कि मिल्क मेड और मलाई दोनों अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये हमने इसके अंदर डाल दिया, बाकी मलाई भी अपनी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो, और एक तरह से ये हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा क्रश था उसको मैंने एक बारी ऐसे फिर से प्रेस कर लिया हाथ से, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो पाउडरी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी उसमें, तो वो बिल्कुल ठीक है, मेरे हाथ में से कुछ खास चुपक भी नहीं रहा है, तो मुझे ये नहीं कि वो निकल जाएगा फिर ये सब।
और यहाँ पे ना मैंने ये गलती कर दी कि मैंने ऊपर से बिस्किट लगा दिए इसमें। आप बिस्किट स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लगाए थे, मुझे लगा थोड़ा अच्छा स्वाद आएगा, तो बिस्किट बाद में ना, अभी आपको पता चलेगा उस बिस्किट के साथ हुआ क्या। सारों में नहीं हुआ, एक आधी में ऐसा हो गया, अदरवाइज़ बने अच्छा है, तो आप ट्राई करना, ठीक है। ये बिस्किट मैंने ऐसे लगा दिए थे क्रस्ट के लिए, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ी डिज़ाइन बना दी ताकि वो सारी जगह कवर हो जाए। देखो अब इसके अंदर हम अपनी एक क्रीम डाल देंगे पूरी, ठीक है। तो ये यही हुआ कि मतलब एक आधी बिस्किट ना ऊपर आ गया, ऊपर से हमने हल्की सी ड्रॉप डाल दी है मलाई की ताकि वो डिज़ाइन बन जाए। और जो हमने अपना पाउडर बचा के रखा था ना बिस्किट का, अब हम उसे साइड में डाल देंगे थोड़ा 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 करके, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर से अच्छे से भी कवर कर सकते हो, मैं चाहती नहीं थी कवर करना इसलिए मैंने नहीं किया। इसको हम ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसे बंद करके रख देते हैं फ्रीज़र में सेट होने के लिए। आपको इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए रखना है, 2 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं लगेंगे, ठीक है। 2 घंटे के लिए इसे हमने फ्रीज़र में रख दिया है, अच्छे से जम जाएगा। मिल्क मेड है तो बिल्कुल थिक नहीं जमेगा। ये 2 घंटे बाद का रिज़ल्ट है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बहुत टेस्टी बनेगा ये, बहुत अच्छा बनेगा, आप लोग ज़रूर बना के देखना। ये देखिए हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, देखिए देखिए कितने अच्छे पीसेस आ रहे हैं। देखिए एक बार आप अपनी रसोई में बनाना अवश्य। ये देखिए हमारी ठंडी ठंडी स्वीट डिश बनकर बिल्कुल रेडी है, बिना गैस जलाए। इतनी गर्मी में गैस कौन जलाएगा, ठीक है। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए। अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।